1950s. The whole concept of like being with your family has become like a dream. Like, you know, you're so, like, when you're in your family, now I really look forward to, after like a chaotic week, just going back home with my parents and my brother and being with my. अभी थोड़ा रास्ता छोड़ दो, जाइए पीछे, जाइए पीछे, जाइए पीछे, पीछे जाओ, पीछे वो जी तो बना रहा है। एक मिनट बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आइए मैम, इधर इधर आइए, आइए मैम, आइए इधर, आइए मैम, आइए। वोटर वन सेकंड Yes, enter please, one more. Yes. Thank you जी, thank you. Okay, done. बीच में जो एक और है आइडियोलॉजी ये रिप्रेजेंट करती है, फिल्म का पोस्टर या ट्रेलर देख के आपको लग सकता है बहुत सीरियस फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स कुछ सीरियस मुद्दों पे इस फिल्म में बात की है, लेकिन ये कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज में दोस्ती होती है, प्यार होता है, मस्ती होती है, सो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारी एक फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है, लेट्स होप ऑडियंस को पसंद आए। हाँ जी, नेशनल यूनिवर्सिटी इट इज़ ऑल अबाउट कॉलेज के कैंपस में किस तरीके से पॉलिटिक्स चलते हैं, पॉलिटिक्स के साथ साथ तमाम दूसरी चीज़ें जो चलते हैं उसके बारे में, उसके बारे में इस फिल्म में हमने बताया है। और बहुत से मुद्दे जैसा कि आपने भी प्रीमियर में भी देखा होगा किस तरीके से उसको कवर किया गया है, और कॉलेज में छात्र राजनीति के साथ साथ कॉलेज में जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर हर मंच पर हर किसी के वर्जन होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी में भी हमने वो दोनों पहलुओं को, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। दो पहलू, एक वो जो सच होता है जो सबके सामने होता है, और दूसरा वो जो सच होता है जो किसी को मालूम होता नहीं है। तो आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन से सच की इस पिक्चर में बात की गई है, जो शायद आप से छुपा हो, आपको पता नहीं है, और ये देखने के बाद आपको वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, अब तो डायरेक्टर जो सर हैं का वेट कर रहे हैं, बट मैं बस ये बोलना चाहूँगी आई एम वेरी हैप्पी विद माई को एक्टर्स सिद्धार्थ बोर्के, ही डिड अमेजिंगली वेल, बहुत ही अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा काम किया, एंड द कन्हैया एज वेल,
इतना शानदार काम किया है. बाकी और सभी एक्टर्स ने सब बहुत ही अच्छा काम किया. आई थिंक जब आपके सामने एक्टर्स इतने अच्छे होते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी अपने आप उठ के आता है. एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स वर रियली इनक्रेडिबल. आवर डायरेक्टर वाज रियली गुड. एंड कुडोज टू आवर फीमेल प्रोड्यूसर प्रतिमा जी. I mean, you know, hats off to her, the way how she, you know, conducted the entire shoot, and there was no, everything went on really smooth, but kudos to her. And more, you know, we need more such female producers. जैसा कि सौरभ सर और मैम ने तो बता दिया है, ये एक्चुअली दो आइडियोलॉजी के बीच में स्टोरी है, राइट एंड लेफ्ट. लेफ्ट के लिए लेफ्ट सही, राइट के लिए राइट सही. लेकिन आप लोग मूवी देखे, आप लोग भी समझे होंगे चीज़ों को. तो बेसिकली जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो राइट की तरफ से सौरभ सर, मैम, थैंक्स टू प्रतिमा मैम, विनय सर. तो स्टोरी घूमती आइडियोलॉजी के बीच में. लेफ्ट को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जैसी इनकी सोच है, शायद वो सही है, लेकिन एक मायने में शायद वो सही नहीं है. तो राइट जब आता है उनके अगेंस्ट में है, राइट उनको दबाता भी, जैसे आप फिल्म में देखे हैं. तो ये पूरी की पूरी स्टोरी दो आइडियोलॉजी के बीच में घूमती है, राइट एंड लेफ्ट. तो राइट की तरफ से सर एंड लेफ्ट की तरफ से हमने इसका नेतृत्व किया. जो मेरे फादर हैं वो बचपन से चाहते थे कि मैं JNU में पढ़ूँ, और इस तरीके से एक ये उनका सपना पूरा हुआ है, या फिर वो लाइक यू नो ही विल बी वेरी हैप्पी. तो या आई मीन जब अच्छी फिल्म रहती है, आई डोंट मैं उम्मीदें नहीं रखती, बट हम बस यही फोकस करते हैं काम अच्छे से. दिल्ली आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और हम सब अभी आए और दिल्ली है दिल वालों की. मैं दूसरा सुना देता हूँ, वो तो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन जो ट्रेलर में है, इस झूठ को सच के तराजू में तोलेगा कौन, इस झूठ को सच के तराजू में तोलेगा कौन, हम भी अगर नहीं बोले तो साला बोलेगा कौन. छः सात काउंसलर का सीट जीत लेने से अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे. JNU और सौरभ शर्मा यहाँ के मगरमच्छ हम. And how they gonna connect with Naira, my character in this film? Hindi bolne ki koshish ki. Thank you so much. I worked very hard.